तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कार में ब्लोवर चलाते हैं और एसी चलाते हैं तो किस चीज़ में पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में कि जब आप इस वाले स्विच को इस तरफ करके जाते हैं तो वो ब्लोअर ऑन हो जाता है, और जब आपका ये नॉब जो है इस ब्लू सिग्नल पे होता है तो आपका एसी चलता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्लोअर में भी फ्यूल लगता है और एसी में फ्यूल लगता है, तो नहीं। अगर आप सिर्फ ब्लोअर चला रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी गाड़ी के अंदर जो लिक्विड होता है वो जब गर्म होता है तो उससे जो भी एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म होता है तो उससे जो भी हवा आती है वो हमारे ब्लोअर से, ये देखिए यहाँ से हवा आती है, तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे कार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देने वाली। तो अगर हम कार में ब्लोअर चलाते हैं तो फ्यूल की खपत नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको एसी के रूप में चलाते हैं तो सबसे पहले एसी के लिए क्या होता है कि कार में कंप्रेसर होता है, और कंप्रेसर कंप्रेसर चलता है और वो क्या करता है, कंप्रेसर आपका फ्यूल, जो कार में जो फ्यूल डला होता है पेट्रोल या उसी से जो है वो अपना जो एनर्जी लेता है। तो इसलिए जो है जो ब्लोअर और एसी में ये डिफरेंस है कि जब भी आपका एसी चलेगा तो आपका जो है कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर जो पावर लेता है वो फ्यूल से लेता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपका पेट्रोल और ज़्यादा खर्च तब होता है जब आपका बाहर का टेम्परेचर कम है और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके कार को कूल करने के लिए। इसीलिए जब भी आप कार के अंदर बैठते हैं तो शुरू में क्या कीजिए, आप खिड़की खोल के थोड़ी देर चलाइए जिससे कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो आपका क्या होगा कि आपका जो एसी है प्रॉपर काम करेगा। एक और बात, अगर आपकी गाड़ी जो है 60 के स्पीड के चल रही है तब आप एसी नॉर्मली चला सकते हैं जिससे कि क्या होगा आपकी कूलिंग प्रॉपर होगी। अगर धीरे धीरे चल रही है गाड़ी आपकी 40 से नीचे है तब एसी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ब्लोअर के केस में आपको कोई इश्यू नहीं है, इसमें आपका कोई भी पेट्रोल वेस्ट नहीं होता, लेकिन एसी में क्या होता है कि कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर पेट्रोल लेता है। तो आइडियल कंडीशन ये है कि कोशिश ये करें कि जब गाड़ी ज़्यादा गर्म हो तो उसका टेम्परेचर पहले नॉर्मल कर लें, खिड़की खोल के चला लें, और जब गाड़ी की स्पीड कम हो तभी भी जो है इंजन पर ज़्यादा असर पड़ता है और वो कंप्रेसर ज़्यादा फ्यूल लेता है। तो इसलिए जो है ब्लोअर और एसी का प्रॉपरली इस्तेमाल करें। थैंक यू।